नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की खबरों पर। माटीगढ़ा के पंच नई ब्रिज से बीती रात रहस्यमय तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति का फंदे से लटकता हुआ शव बरामद। स्थानीय लोगों ने इस घटना को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की जताई आशंका। घटना से इलाके में फैली सनसनी। सिलीगुड़ी में भूमिगत बिजली सेवा का काम जल्द किया जाएगा शुरू। बुधवार को राज्य बिजली वितरण विभाग के साथ एक वर्चुअल बैठक कर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कही ये बात। 21 जुलाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी व आसपास के इलाकों से हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के नेता व समर्थक कोलकाता के लिए हुए रवाना। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पापिया घोष भी अपने समर्थकों संग एनजेपी से हल्दीबाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कोलकाता हुई रवाना। 21 जुलाई को कार्यक्रम में जाने वाले कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए सिलीगुड़ी टाउन ब्लॉक 3 INTTUC एनजेपी शाखा द्वारा सहायता केंद्र और खाने पीने की गई व्यवस्था। सिलीगुड़ी के ब्लू माउंटेन होटल एंड रिजॉर्ट के अंदर चल रहे जिस्म फरोशी कांड की जांच में पुलिस ने छठे आरोपी नीमा लामा को किया गिरफ्तार। आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश कर पुलिस ने अदालत से रिमांड की मांग की। फांसीदेवा के घोषपुकुर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक चार पहिया वाहन दुर्घटना का हुआ शिकार। वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। फुलवाड़ी के महानंदा बैरेज संलग्न काली मंदिर में घटी दुस्साहसिक चोरी। काली मां की सोने की जीव, सोने की टिकली, चांदी का मुकुट समेत कई अन्य सामान लेकर चोर हुए फरार। मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने एक बार फिर मासिक बिजली बिल की मांग में उठाई आवाज। राज्य के मंत्री आरूप विश्वास के बाद मेयर गौतम देव से भी मांगा सहयोग। सिलीगुड़ी के रास्ते बांग्लादेश में मवेशियों के तस्करी की योजना को माटीगढ़ा थाना की पुलिस ने किया नाकाम। पुलिस ने 5 मवेशियों को किया बरामद, पिकअप वैन भी जब्त। मेडिकल चौकी की पुलिस ने चोरी के आरोप में एक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात भी बरामद। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में किया गया पेश। PF ग्रेजुएटी का भुगतान समेत कई मांगों को लेकर कालचीनी चाय बागान में श्रमिकों ने गेट मीटिंग का किया आयोजन। श्रमिकों ने चाय बागान प्रबंधक कार्यालय का घेराव कर जताया रोष। माताभांगा के पाचागढ़ के बेलताला इलाके में एक तालाब से बम बरामद। घटना से इलाके में फैली सनसनी। रैपिड टाइम्स में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। नमस्कार।